नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा मंच और मैं हूँ मौलिका शर्मा। कहते हैं पाप हमारी सोच में होता है, हमारे शरीर में नहीं, लेकिन तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। तो अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, बिल्कुल। और वो परिवर्तन आप ला पाते हैं जब आप गुरु के सानिध्य में होते हैं। जी हाँ, कहते हैं सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना ही कर सके, गुरु करे सो हो। और एक ऐसे ही गुरुश्री के दर्शन आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यक्रम के जरिए हम आपको कराएंगे, जो आज देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं, समाज में अपना एक विशेष स्थान बना चुके हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रचार प्रसार से परमेश्वर तक के दर्शन कराने वाले, जी हाँ, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं परम पूज्य श्रीमद् जगद्गुरु निम्बकाचार्य स्वंभूराम देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज। चलिए आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेंगे गुरुदेव का। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। गुरुदेव, सर्वप्रथम आप हमें बताएं श्रीमद् भागवत कथा क्या सिखाता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भारतीय वाङ्मय में श्रीमद् भागवत महापुराण का अत्यंत उत्तम स्थान है। 18 पुराण हैं। यदि कलेवर के दृष्टि से देखें तो भागवत बहुत बड़ा पुराण नहीं है। 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं। स्कंध पुराण में 81,100 श्लोक हैं। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो कलेवर की दृष्टि से, श्लोकों की संख्या की दृष्टि से श्रीमद् भागवत बहुत बड़ा पुराण नहीं है, लेकिन सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ मान्य है। महापुराण की संज्ञा इसको प्राप्त है, क्योंकि जिसमें तत्व 10 निरूपित हो उसी को महापुराण कहते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुदयः मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर इस कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, जिसमें ये 10 तत्व निरूपित हो उसी को महापुराण कहते हैं। और 18 पुराणों में इन 10 तत्वों का निरूपण केवल श्रीमद् भागवत में ही हुआ है जी। तो ये भागवत महापुराण कहलाता है, और महापुराण होते हुए भी ये भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति कहलाती है, प्रतिरूप कहलाता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके स्वधाम गमन कर रहे थे, तब उद्धव ने पूछा उनसे कि आपके स्वधाम गमन के पश्चात धर्म किसकी शरण में जाएगा, धर्माश्रय आप हैं, जब आप चले जाएंगे तो जगत के जीवों के कल्याण के लिए सबसे सुंदर सुगम मार्ग क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वधाम गमन नहीं करूँगा, मैं अपने संपूर्ण तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित करता हूँ। स्वकीयम यद भवित तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान ने कहा कि मैं अपने वैकुंठ लोक में नहीं जाकर के, क्षीर सिंधु में नहीं जाकर, भागवत समुद्र में ही निवास करूंगा और संपूर्ण तेज को, ऐश्वर्य को, शक्ति को इस श्रीमद् भागवत में ही स्थापित करता हूं। तो ये श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये श्रीमद् भागवत भगवान की वाङ्मयी प्रतिरूपा है। इसके श्रवण करने से, पाठ करने से, सेवन करने से, दर्शन करने से सद्यः पाप की निवृत्ति होती है।
और ये मुक्ति परक ग्रंथ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। हमारे भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये श्रीमद् भागवत चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। मुक्ति ग्रंथ तो ये है ही। राजा परीक्षित जब मुक्ति को प्राप्त हुए तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर जितने कल्याण प्राप्ति के धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के साधन थे उनको रखा। लेकिन लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम् भागवत का ही पलड़ा भारी रहा। तो ब्रह्मा जी ने ये बतला दिया कि मुक्ति के जितने साधन हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के जितने साधन हैं, उन सभी साधनों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है जी। और परीक्षित इसके साक्षी हैं। असारे संसारी विषय विषसंगा कुलदीय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यद क्षणगत मुक्ति युक्ति कथने। जो इस संसार में विषय विष से आक्रांत हैं, विषय विष में डूबे हुए हैं, बुद्धि विषयों से आक्रांत है, उनको चाहे क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन इस अतुलनीय भागवत सुधा का पान जरूर करना चाहिए। और हम परीक्षित को ही नहीं देखते हैं, हम धुंधुकारी को भी देखते हैं कि धुंधुकारी भी श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मुक्ति को प्राप्त हुआ। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामः मुक्ति कुंडलान्वितः। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से परीक्षित भी मुक्ति को प्राप्त हुआ और उसने स्वयं कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो पिथता धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। ये भागवत की कथा धन्य है, भगवान श्री कृष्ण के धाम को पहुंचाने वाली है जी। गुरु श्री थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हाँ। मोक्ष से क्या अभिप्राय? मोक्ष का तात्पर्य होता है मोह से निवृत्ति। हम लोग संसार में बंधे हुए हैं जी, कोई बंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम कहीं रस्सी से बंधे हुए हैं, किसी वस्तु से बंधे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ये मोह बांध करके रखता है, ये शरीर मेरा है, ये बंधन है, हम बंधे हुए हैं इस शरीर से, ये मेरा पुत्र है, वो कहीं बंधन दिखाई नहीं पड़ता है, ग्रंथि नहीं है, लेकिन मोह ग्रंथि है, मोह के कारण हम बंधे हुए हैं, ये मेरा आश्रम है, हम मोह ग्रंथि से बंधे हुए हैं कि ये मेरा है। ममाहमिति मन्यते, मेरा और मैं, ये दो ग्रंथि है, इन दो ग्रंथियों के कारण ही जीव संसार में बंधा रहता है जी। ये श्रीमद् भागवत के श्रवण से या अन्य किसी साधनों से जब मोह की निवृत्ति होती है तो वो मुक्त होता है। यानी हम शरीर कैंसर हो जाए, हैजा हो जाए, प्लेग हो जाए, कष्ट पाते रहे, लेकिन फिर भी हम इस शरीर से अलग होना नहीं चाहते, नहीं चाहते बिल्कुल। मेरा बेटा हमसे दूर चला जाए, मेरा विरोधी हो जाए, घर से हमको दुख मिलने लगे, कष्ट मिलने लगे, हमारे बंधु बांधव कष्ट देने लगे, तब भी मोह के कारण हम उनसे बंधे रहते हैं, वो छूटता नहीं जी। तो मोह का मोक्ष का तात्पर्य होता है मोह से निवृत्ति, मोह से छुटकारा। नष्टो मोह अस्मृति लब्धा, हम मोह से छूट गए तो हम मुक्त, बंधन से रहित। तो आज के समय की यदि बात करें तो वास्तव में व्यक्ति इस मोह से मुक्ति पा सकता है? ये सबके लिए तो नहीं कहा जा सकता है कि सब मुक्त हो जाए जी। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न के अंदर हमको नाना प्रकार का कष्ट हो रहा है, उस कष्ट की अनुभूति तब तक होती है जब तक हम सोते हैं, लेकिन जब जाग जाते हैं तो उस कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन हम सबके लिए नहीं कह सकते हैं, जो जाग गया उसके लिए स्वप्न के दुख से निवृत्ति मिल सकती है, लेकिन जो सोया हुआ है, जो मोह में फंसा हुआ है,
वो तो दुखी रहेगा, दुखी रहेगा जी। जब तक जाग नहीं जाएंगे तब तक दुख से निवृत्ति, मोह से निवृत्ति नहीं मिलेगी। इसी के लिए साधनों की उपयोगिता बतलाई गई है कि साधन कीजिए नित्य प्रति। हम भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषाच नित्यशा। संसार में हम जब सुख मानते हैं कि ये वस्तु हमको सुख देगी, ये मकान हमको सुख देगा, ये शरीर हमको सुख देगा, मेरा पुत्र पौत्र मुझे सुख देगा, अभी शरीर है, ये शरीर ये जब तक स्वस्थ है तब तक सुख की प्रतीति होती है। बिल्कुल। ये शरीर जब बीमार हो जाए, रुग्ण हो जाए, चला न जाए, लगुआ मार जाए, सेंसलेस हो जाए, बेहोश हो जाए, बिस्तर पर पड़े रहे, मलमूत्र वहीं पर छोड़े, तो जो शरीर आज हमें प्रिय लग रहा है ये इसकी प्रियता खंडित हो जाती है, बाधित हो जाती है। बिल्कुल। फिर लगता है कि कब कैसे इस शरीर से हम रहित हो। जब तक हम दुख नहीं देखेंगे कि ये दुख देगा, जब तक ये संसार प्रिय लगता है तब तक मोह से निवृत्ति नहीं मिलती है। जब हम इसमें दुख देखें, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषाच नित्य सा, हम नित्य इसमें दोष देखें कि ये दुख देगा हमको। धन है, धन सुख देता है, धन दुख भी देगा। इनकम टैक्स वाले आएंगे, छापा मारेंगे, बिल्कुल दुख देगा। गाड़ी है, गाड़ी भी हमेशा सुख नहीं देगी, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, पंचर हो जाए, तो वही गाड़ी दुख देने लगेगी। तो संसार की प्रत्येक वस्तुएं दुख रूप है, लेकिन हमने उनको सुख रूप मान लिया है। तो दोष देखते 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 बुद्धि में बैठ जाए कि ये जिस संसार से हम सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो दुख भी देगा। जब ये भाव दृढ़ हो जाता है तो फिर धीरे धीरे मोह छूटने लगता है जी। गुरु श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावके न चैनम क्लेदे अंते आपो न शोषयति मारुते। ये आत्मा जो है अजर अमर है, लेकिन जब तक ये आत्मा इस शरीर में विराजमान है, स्थापित है, तब तक सदकर्म करें। ये हर व्यक्ति को पता है, लेकिन व्यक्ति इसे मानता नहीं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं मानने का कारण है केवल मोह जी। ये इस शरीर में दो चीजें, दो तत्व, एक जड़ तत्व है और एक चेतन चेतन तत्व। चेतन तत्व को ही आत्मा कहते हैं, जिसका न जन्म होता है न मरण होता है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो आत्मा के लिए कहा गया है जी। आत्मा को ज्ञान कहते हैं, आत्मा को चेतन कहते हैं। ये शरीर भले ही स्थूल रूप में दिखाई पड़े, लेकिन ये एक विचारों का पुलिंदा है, पोटरी, और कुछ नहीं। बिल्कुल। अभी शरीर 50 किलो का है, 1 क्विंटल का है, प्राण निकल जाए, आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाए, जला दिया जाए, तो इसमें से 10-50 ग्राम राख भी शायद नहीं बचेगा। बिल्कुल। तो ये केवल विचार है। जैसे स्वप्न का शरीर भी स्थूल दिखाई पड़ता है, मोटा पतला दुबला दिखाई पड़ता है, लेकिन वो है नहीं, जागने के बाद उसमें कोई वजन ही नहीं रहता। तो ये शरीर भी एक पोटरा है, एक विचारों का। इस शरीर के साथ हम लोग बंधे रहते हैं। अब इस शरीर से छूटने के लिए, इस शरीर के साथ जब संबंध रहता है तो शरीर का संसार के साथ संबंध है। अब शरीर के साथ साथ फिर संसार से संबंध हो जाता है। मेरा शरीर से संबंध है, इस शरीर का आपसे संबंध है, इनसे संबंध है, उनसे संबंध है, तो फिर सबसे संबंध हो जाता है, घर से संबंध हो जाता है, मकान से संबंध हो जाता है। अब फिर धीरे 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 साधना करने से, हम प्रतिदिन सवेरे उठे, जप करें, तप करें, ध्यान करें, और बराबर ये चिंतन करते रहें कि संसार नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, बराबर ये चिंतन करें। एक दिन नहीं, या हम सोच ले कि हम एक बार सोच लिए, एक माला फेर लिए, दो माला फेर लिए, तो दुखों से निवृत्ति मिल जाएगी, मोह छूट जाएगा, आत्मा का दर्शन हो जाएगा, नहीं। यह दैवम माध्यात्म रतः काले न बहुजन्मना, बहुत जन्मों तक, कई जन्मों तक ऐसे विचार बनाते बनाते, ध्यान करते करते, साधना करते करते, यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि का आश्रय लेते हुए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, इनका सेवन करते करते, तीर्थाटन करते करते, संतों की संगति करते करते,
कई जन्मों के बाद वो स्थिति आती है जी। फिर ये जीव इस दुख से निवृत्त होता है, तब तक उसको इस संसार में सुख दुख भोगना पड़ता है। इसी के लिए छुटकारा पाना सरल है या मुश्किल? ये अटपटा लगेगा जी, जी अटपटा लगेगा, समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। हम शब्द सुनते हैं तो हमारे कान में शब्द ग्रहण करने की शक्ति न हो तो बाहर का शब्द सुनाई नहीं होगा जी। इसका मतलब हमारे कान में वो चुंबक है जो शब्द को पकड़ता है, हमारे कान में है वो जी। वो तंतु है, नहीं तो नहीं पकड़ता बिल्कुल। तो हम उसको ये कौन शब्द पकड़ रहा है बाहर के, उसका हम चिंतन करें, वहाँ उस शब्द को सुने। शब्द होगा तभी तो शब्द को पकड़ेगा। अब ये अटपटा लगेगा कि जिह्वा जिह्वा का स्वाद नहीं, जिह्वा से हम रस का अनुभव करते हैं, मीठा है, खट्टा है, तीखा है। यदि हमारे अंदर वो खट्टा मीठा तीखते आदि को ग्रहण करने की शक्ति जिह्वा में न हो, यानी वो चुंबक न हो, तो बाहर के रसगुल्ला का स्वाद जिह्वा नहीं ले पाएगा, जी। तो वो हमारी जिह्वा में भी वो रस है तभी उसको ग्रहण कर रहा है जी बिल्कुल। यदि चुंबक के पास हम लोहा को ले जाएंगे तो चुंबक लोहा से सट जाएगा जी, लेकिन पत्थर से नहीं चिपकेगा जी। यानी जो लोहे में तंतु है वो चुंबक में भी है, उसमें पावर ज्यादा है इसलिए खींच लेता है जी। तो जो शब्द बाहर है वो हमारे अंदर भी है, जो स्वाद बाहर है वो हमारे अंदर भी है। अब हम रूप को देखिए, आँख देखता है, ये सब देख रहा है। यदि ये सब विषय हमारे नेत्र में न हो, इसको पकड़ने की क्षमता हमारे नेत्र में न हो, तो ये सब विषय पकड़ नहीं पाए जी बिल्कुल। यानी हमारे नेत्र में जो इस विषय को पकड़ने की क्षमता है, जो चुंबक है रूप को ग्रहण करने की, उसका हम चिंतन करें, उसका हम ध्यान करें। अब गंध है जी। जो गंध बाहर है वो गंध नासिका में भी है। इन दोनों का यदि जोग न हो तो किसी भी काल में नासिका गंध का अनुभव नहीं करेगा। हम गुलाब का फूल सूंघते हैं तो खुशबू आती है, वो खुशबू उस नासिका में भी विद्यमान है जी बिल्कुल। यदि नहीं होती तो हमारी नासिका उसको पकड़ती नहीं, संभव ही नहीं होता, संभव ही जी, नहीं जी। तो अब हम हमारी नासिका में जो गंध है हम उसका चिंतन करें, उसको ग्रहण करें, प्रयास ये करें। जैसे हमारी ये त्वचा है, त्वचा सर्दी गर्मी का अनुभव करती है, ठंडा है गर्म, सर्दी और गर्मी अनुभव करने की इस त्वचा में यदि क्षमता नहीं होती, यानी वो वस्तु इसमें नहीं होता, मुलायम है, कड़ा है, कठोर है, कैसा खुरदरा है, ये इसमें ग्रहण करने की शक्ति है, यानी इसमें वो सब वस्तु विद्यमान है और तभी हम ग्रहण कर पाते हैं। तो हम अपने पांचों इंद्रियों को जो इनके ग्रहण का स्थान है वहाँ पर बैठना है जी। बाहर उसको हम प्रत्याहार बोलते हैं जी। परांच खानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्य दिनांतरात्मा, ये इसको प्रत्याहार बोलते हैं। अपने इंद्रियों को जो बाहर अभी विषयों का सेवन कर रही हैं उसको अपने गोलक में बैठा लें, मन और बुद्धि ये सब चेष्टा रहित हो जाए, मिल गई मुक्ति बिल्कुल, छूट गए, छुटकारा मिल गया, छुटकारा मिल गया है। कठिन है ये, है ना, इस अनेक अनेक जन्मों की यात्रा है जी। थोड़ा सा दान के संदर्भ में भी जानूंगी, देखा है मैंने कुंभ में विशाल अन्न क्षेत्र लगे हुए थे, थोड़ा इसके संदर्भ में भी आप जरूर बताएं गुरुदेव। उपनिषदों में आता है अन्नो वही प्राणा, प्राणा वही अन्न, अन्नादम शरीर, ये अन्न ही शरीर है, अन्न ही प्राण है, प्राण ही अन्न है, अन्न ही ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्मित व्यजना, अन्नात हे खल विमानी भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ति यभिसंविशन्ति, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, अन्न से ही संसार की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही जीवन की रक्षा होती है और अन्न में ही उसका अभाव होता है जी, जी। तो अन्न ब्रह्म है। इस दृष्टि से
हमने भी विचार किया कि एक अन्य क्षेत्र का संचालन किया जाए जो दुखी हैं, समर्थ नहीं है, उनको भोजन कराया जाए, अन्नदान किया जाए। अन्नदान महादान, अन्न को सबसे बड़ा दान कहा गया है। तो 2009 से हम लोगों ने अन्य क्षेत्र चालू किया और धीरे धीरे उसका कलेवर बढ़ता गया। कुंभ आदि के अवसर पर तो प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग होते हैं, यहाँ भी सुबह से शाम 700-800 हजार आदमी लगभग रोज हो जाते हैं। तो इस तरह अन्य की ये व्यवस्था चल रही है। और जो हमारी तो ये धारणा रहती है कि जो आता है यहाँ भोजन करने के लिए तो हम उसको भगवान मानते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे यहाँ खाने के लिए आ रहा है। हम तो ये सोचते हैं कि अपना खा रहा है, वो अपने प्रारब्ध का खा रहा है। हम तो 100 ग्राम सत्तू खा करके रहते हैं तो हमारे प्रारब्ध में तो सत्तू ही लिखा है। जो खा रहा है वो अपने भाग्य का खा रहा है। तो अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है, हम लोग उसी पद्धति को अपनाए हुए हैं। यह भी एक श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए अन्न का संचालन राधा सर्वेश्वर सेवा संस्थान के तत्वावधान में विगत कई वर्षों से किया जा रहा है और विधिवत चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी भगवान की राज यहाँ पर बैठे हुए। गुरुदेव, आपने कर्म की बात करी, भाग्य की बात करी, अब आप हमें ये बताएं चलते चलते बहुत अहम प्रश्न, कर्म बड़ा या भाग्य? ये अनुन्यासित है जी। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम स्नेहम कर्मणैव आयुपन्ते। इस जगत को कर्म सापेक्ष कहा जाता है, ये कर्म सापेक्ष जी। और कर्म ही प्रारब्ध का निर्माण और फिर उस प्रारब्ध के अनुसार ही हम जन्म लेते हैं, उस प्रारब्ध के अनुसार ही के कर्म की ग्रंथि बनती है जी। ये इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कर्म पहले या प्रारब्ध पहले। गेहूं का बीज पहले बना कि गेहूं पहले बना, वृक्ष पहले बना कि बीज पहले बना, प्रारब्ध पहले बना कि कर्म पहले बना, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये तो एक निर्विवाद सत्य है कि ये संसार कर्म सापेक्ष है, कर्म के अनुसार ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। गुरु जी, चलते चलते संदेश स्वरूप जरूर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहें। मैं जो श्रद्धा चैनल के श्रोतागण हैं उनको हमारी शुभकामना है। और इस श्रद्धा चैनल ने बहुत पुराने समय से संपूर्ण संसार के लोगों को श्रद्धावान बनाया है, संस्कारित किया है, धर्म की ओर प्रेरित किया है और आज भी कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा चैनल के समस्त श्रोताओं को, श्रद्धा चैनल के समस्त जो कर्मचारी गण हैं उनको शुभकामना है, मंगल कामना है। और श्रद्धा चैनल नित्य निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, संपूर्ण संसार को एक नया प्रकाश दे, संस्कारित करे, आस्थावान बनाए, हमारी शुभकामना। गुरु जी, तमाम जानकारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में देह जगत हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस धरा का सबसे पवित्र स्थल गिरिराज महाराज के पावन तलहटी में श्री राधा सर्वेश्वर सेवा संस्थान गिरिराज अन्य क्षेत्र में निशुल्क और महापूर्ण फलप्रद गिरिराज अन्य क्षेत्र चलाया जा रहा है, जहाँ प्रतिदिन प्रातःकालीन बेला में साधु संत वैष्णवों को अन्य क्षेत्र वितरण किया जाता है। दोपहर के समय संतों को भंडारा प्रसादी कराया जाता है। पुनः सायंकालीन बेला में परिक्रमा मार्ग में भंडारा का वितरण किया जाता है। रात्रि के समय साधु संत वैष्णव जो गिरिराज महाराज की पावन तलहटी में रहते हैं, ईश्वर आराधना में लगे हैं, भजन साधन में लगे हैं, उन संतों को दूध का वितरण किया जाता है। ये समस्त सेवा प्रकल्प दानवीरों के सहयोग से चलाया जा रहा है। और यहाँ पर
जिस दान का महिमा शास्त्रों में वर्णन किया है, सात्विक दान, उस दान का इस गिरिराज अन्य क्षेत्र में दिखता है। पहला तो एक सतपात्र, दान देने के लिए यदि कोई पहली जगह है, पहली व्यवस्था है, उस सतपात्र के लिए होना चाहिए। ऐसे सतपात्र पूज्य गुरुदेव महाराज मात्र जो 100 ग्राम सत्तू खा करके रहते हैं, आहार उनका सिर्फ 100 ग्राम सत्तू है। पवित्रता की बात करते हैं उनके जीवन में तो सैकड़ों शिष्य साथ में होते हुए भी गुरुदेव कभी किसी शिष्य के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते, कभी किसी से अपनी सेवा जूठी थाली भी नहीं मलवाते, कभी किसी से वस्त्र भी नहीं धुलवाते। महाराज श्री ऐसे तपस्वी विद्वान वैराग्यवान इस भौतिक बाद के समय में ऐसे ही संतों के दर्शन, संत दरस जिमि पातक टरही, यदि मानस में लिखा है संत समागम हरि कथा, ऐसे ही संतों के लिए वर्णन किया है। इतिहास पुराणों में कभी पढ़ते थे या किसी संतों के मुख से कथा श्रवण सुनते थे कथा के माध्यम से कि वो ऐसे तपस्वी थे, उन्होंने ऐसा भजन किया, मगर इस कलिकाल में, इस भौतिक बाद के समय में ऐसा ही महाराज श्री ने तप कैसे किया जाता है, तप से क्या होता है, ये तप करके उन्होंने बताया। 14 साल तक अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान इन्होंने 14 साल तक 38 पुरुष चरण मंत्र राज गोपाल मंत्र का इन्होंने किया है, जो श्री कृष्ण उपासना का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो ऐसे शील स्वभाव संत के सानिध्य में, इसलिए जो प्रथम दान की पात्रता है वो गिरिराजन्य क्षेत्र में सतपात्र, दूसरा है पुण्य क्षेत्र तो स्वयं प्रत्यक्ष श्री कृष्ण स्वरूप गिरिराज महाराज जहाँ विराजित है, जहाँ लाखों श्रद्धालु आकर के अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में लगाते हैं और भगवान गिरिराज महाराज की कृपा से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए यह महान पुण्य प्रद क्षेत्र भी है और उतना ही ये पावन सेवा प्रकल्प जहाँ संत वैष्णवों को भोजन कराना, दीन दुखियों को भोजन कराना, तो ये तीनों विषय मिल करके सतपात्र, उत्तम तीर्थ क्षेत्र और ये पावन संत वैष्णवों का सेवा और महाराज श्री की संतों में निष्ठा है। नहीं तो 100 ग्राम सत्तू तो स्वयं के लिए खाना है, मगर संतों के लिए नित्य निरंतर स्वादिष्ट भोजनों के द्वारा आप यहाँ पे भंडारा चला रहे हैं।